मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह का पन्ना दौरा ऐतिहासिक रहा, जहां उन्होंने बुंदेलखंड के सबसे पिछड़े जिला कहे जाने वाले पन्ना और विकास के मुख्य धारा से दूर जिले के सौगातों का पिटारा खोला। मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन एवं श्रम कैबिनेट मंत्री और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में जिले के लिए जिन जिन सौगातों की मांग की थी, लगभग मुख्यमंत्री ने उन्हें निराश नहीं किया और सौगातों की झड़ी लगा दी है। तो वहीं जिला वासियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत किया और प्रदेश के मुखिया को सुनने के लिए लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। खनिज संपदा से भरपूर जिले के आजादी 75 सालों के बाद भी विकास की मुख्यधारा से दूर था। हालांकि सरकार तो आती जाती रहती, लेकिन पन्ना विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर था। लेकिन पन्ना विधानसभा के चहेते और लाडले विधायक और मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जैसे ही अपने संबोधन में जिले में समस्याओं को गिनाया और इन समस्याओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की, तो वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी पन्ना जिले के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। पन्ना जिले के सकरिया हवाई पट्टी के कार्यों को भी मुख्यमंत्री ने पूछा, तो वही नगर में हो रही पेयजल की व्यवस्था और जिले वासियों की सिंचाई एवं पेयजल की व्यवस्था जो आजादी के 75 सालों के बाद भी नहीं हो पा रही थी। नगर से लेकर जिला वासियों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ता था। तो वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह किलकाला फीडर और नदी एवं अन्य नगर में एवं जिले में सिंचाई एवं पेयजल की व्यवस्था करने की बात कही। तो वही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पन्ना जिले की बड़ी सौगात मिली है। जिला अस्पताल पन्ना में पहले से ही 200 बेड की व्यवस्था है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे बढ़ाकर 300 बेड कर दिया है। तो वहीं भूमिहीनों को भी मकानों के पट्टे देने की घोषणा की, लेकिन आजादी के 75 साल के बाद भी हर्षा व गोहा रोड को लेकर नहीं हुई घोषणा। Thank you.